फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट, दैट इज डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन बेसिकली है क्या? डिफ्रेक्शन इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट है, कि लाइट क्या होती है, सीधे ना चल के थोड़े से अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है जब उसके पास से कोई ऑब्स्टिकल, सॉरी बीच में अगर ऑब्स्टिकल आए। जैसे हम लोगों ने नॉर्मली देखा है कि टॉर्च का जो फ्लैश लाइट होती है, अगर हम लोग उसे किसी स्क्रीन के ऊपर इम्पोज करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि टॉर्च का ये वाला पोर्शन ही ब्राइट नहीं होता है स्क्रीन पे, इसका बड़ा पोर्शन थोड़ा सा इल्यूमिनेट होता है, या बड़ा पोर्शन थोड़ा सा इसका क्या होता है, तुम्हारा ब्राइटर रीजन देता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि लाइट जब भी ट्रेवल करती है तो अराउंड द शार्प कॉर्नर से वो बैंड हो जाती है, एंड दैट फिनोमेनन ऑफ लाइट इज नोन एज डिफ्रेक्शन। कि लाइट जब भी चलेगी बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल है या स्लिट है तो उसके सात कॉर्नर से बैंड हो जाएगी, दैट इज नोन एज डिफ्रेक्शन। अब डिफ्रेक्शन, जैसे ये मेरे पास सोर्स है, ये मेरे पास स्लिट है, अब अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट ये जो पोर्शन है लाइट का यही ओनली इल्यूमिनेट होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, बट हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला रीजन तो ब्राइट होता ही होता है बट इसके आसपास का रीजन और ब्राइट हो जाता है, इसके फर्दर हम लोग को शैडो रीजन मिल जाता है। बट लाइट यही इल्यूमिनेट करना चाहिए, लाइट को यही पोर्शन एक टाइप का ब्राइट करना चाहिए, बट हम लोग क्या देखते हैं कि लाइट के ब्राइटर इतना रीजन तो ब्राइट हो गया होगा, इसके आसपास नियर बाय रीजन भी हमें ब्राइट मिलता है, एंड दैट बेसिकली डिफ्रेक्शन। ये देख लेते हैं, इस बार ऑब्स्टिकल है बीच में, तो क्या देखते हैं हम लोग कि लाइट का ये वाला पोर्शन डार्क होना चाहिए या शेडो आनी चाहिए, बट हम लोग क्या देखते हैं ये वाले पोर्शन में शेडो ना के थोड़े से बड़े पार्ट में शेडो आती है। क्यों? क्योंकि लाइट यहाँ ऑब्स्टिकल से थोड़ी सी बैंड हो जाती है और हम लोग को इतना रीजन डार्क ना मिलने की वजह थोड़ा सा और रीजन डार्कर हम लोग को मिलता है, दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल शेडो, एंड दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ डिफ्रेक्शन। देख लेते हैं डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन हम लोग दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, दैट इज फ्रेंसेल डिफ्रेक्शन एंड फ्रेंसहोफर डिफ्रेक्शन। फ्रेंसेल डिफ्रेक्शन वो वाला डिफ्रेक्शन होता है जिसमें स्लिट और सोर्स काफी पास पास हो, जितनी भी स्मॉल डिस्टेंस हो या फाइनाइट डिस्टेंस हो। फ्रेंसहोफर डिफ्रेक्शन में जिसमें स्लिट पे जो डिफ्रेक्शन पैटर्न अराइज हो जब सोर्स बहुत दूर हो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जस्ट लाइक स्टार्स। देख लेते हैं डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, यही हमारे सिलेबस में और हम लोगों ने यही पढ़ना है फ्रेंसहोफर डिफ्रेक्शन ओनली। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फिजिकल सोर्स बनाएंगे और उसे एक लेंस से प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करेंगे और ये जो वेव फ्रंट होगा लाइट का ये हम लोग इंसिडेंट करेंगे एक स्लिट के ऊपर, और स्लिट के ऊपर आगे हम लोग लेंस यूज करके वही वेव फ्रंट हम लोग क्या करेंगे इसे कन्वर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इसे स्क्रीन पे सिंगल स्पॉट बनाने की। बट हम लोगों को पता है लाइट यहां यहां ब्राइट स्पॉट नहीं देती, इसके आसपास रीजन में भी वो अपने ब्राइट स्पॉट देगी ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट। हम लोग देखेंगे पॉइंट पी, देख लेते हैं सेंटर सी से पॉइंट पी हम लोग को डार्क मिलेगा या ब्राइट मिलेगा वो देख लेंगे। तो हम लोग पता, सबसे पहले हम लोग को सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है इसमें, वो हम मिलेगा स्क्रीन के मिडिल पोर्शन पे सबसे ज्यादा, ये में सेंट्रल ब्राइट मिलेगा। अब इसके आसपास अल्टरनेटली हम लोग को ब्राइट एंड डार्क रीजंस मिलेंगे, एंड दैट इज नोन एज सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के आसपास हम लोग को अल्टरनेटली ब्राइट एंड डार्क रीजन यहां हम लोग को मिलेंगे और इन्हें बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा कहां बनते हैं देख लेते हैं। पहले सबसे पहले ये वेव फ्रंट इंसिडेंट है यहां स्लिट पे, स्लिट से ये कॉन्वेक्स लेंस पे जा रहा है, कॉन्वेक्स लेंस का कुछ पोर्शन जो है इसका स्लिट का हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पॉइंट पी तक बैंड हो रहा है, यहाँ तक एक टाइप का हमारा डिफ्रेक्शन पैटर्न हम लोग अराइज हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं ये टू वेव जा रही है, पहली कौन सी है ए बी, दूसरी कौन सी है बी पी। अब यहाँ पॉइंट पी जो है वो सेकेंडरी मैक्सिमा का मैक्सिमा बनेगा या मिनिमम बनेगा, मीन्स ब्राइट स्पॉट बनेगा या डार्क स्पॉट बनेगा वो डिसाइड करते हैं ये दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस, ये हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा इंटरफेरेंस में। चलिए देख लेते हैं एक बार, तो ये जो एक टाइप का पार्ट डिफरेंस है ये डिसाइड करेगा कि वहां ब्राइट स्पॉट बनेगा या डार्क स्पॉट बनेगा। सिंपल बी एन इजल टू आ जाएगा, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं हम लोग, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है ये जो लाइन ये जो वेव जा रही है यहां तक, और उतना ही एंगल यहां हमारा थीटा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देख लेते हैं एक बार, ये हमारा परपेंडिकुलर इस पे, अगर ये एंगल थीटा है ये कितना 90, ये कितना बनेगा हमारा दैट इज ये टोटल अगर 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और बचा हुआ एंगल कितना रहेगा हमारा थीटा ही बनना ऑब्वियसली। तो यहाँ हमारा अगर थीटा एंगल बन रहा है तो ये वाला ट्राइंगल ले हम लोग ए बी एन, तो हम लोग क्या देखेंगे साइन थीटा एंगल क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी, और वही हम लोग ने किया हुआ और बी एन हम लोग को मिल गया। बेसिकली बी एन है क्या, ये है दोनों वेव्स का पार्ट डिफरेंस, कि यही डिसाइड करेगा कि पॉइंट पी वेदर विल बिकम विल ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट। लेट्स सी, ये हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया है। अब देख लेते हैं हम लोग अपनी सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस। फॉर पार्ट डिफरेंस फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्ट डिफरेंस विल बी 2n, दैट इज nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस इक्वल हो जाएगा bn इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 एंड a बाय 2 sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 एंड हियर sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, और यहां थीटा की वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 के लिए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, सॉरी मिनिमा के लिए हमारा थीटा 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 हो जाएगी, और ये देख लेंगे हम लोग जितनी भी वैल्यू हम लोग को मिलेगी। सेकेंडरी मिनिमा का स्पॉट देख लेते हैं, मिनिमा स्पॉट हम लोग को कब मिलता है जब यहाँ जो पॉइंट पे लाइट पहुंचती है वो क्या हो रही है एक टाइप की हमारी
दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑड मल्टीपल. सो लैम्डा की वेवलेंथ बाई टू के. नेक्स्ट साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2a. नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा पैटर्न बन रहा है डिफ्रैक्शन पैटर्न के. बीच में हमारी सेंट्रल मैक्सिमा है जिसकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, उसके अल्टरनेटली स्मॉल इंटेंसिटी सॉरी डार्क रीजन आ जाएगा, फिर से स्मॉल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर से सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, और रिड्यूस होती जाएगी इंटेंसिटी, और यहाँ जाके हम लोग को कंप्लीट डार्क रीजन मिलेगा इधर की साइड ये पूरा. नेक्स्ट देख लेते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से जितनी फर्स्ट मिनिमा की और जितनी डिस्टेंस ये होगी इसका ट्वाइस. देखो सीयर जितनी डिस्टेंस होगी बिटवीन सेकेंडरी मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा सेकेंडरी मिनिमा के बीच उतनी डिस्टेंस इतनी डबल कर देंगे उसका, यही हम लोगों ने किया हुआ. और ये डिस्टेंस कितनी है, ये बेसिकली वाई है, डी लैम्डा अपॉन ए, और ट्वाइस कर देंगे इसका. दैट इज द विड्थ ऑफ द सेकेंडरी सेंट्रल सॉरी दैट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. एक बार इसका देख लेते हैं सेकेंडरी मिनिमा की कितनी डिस्टेंस होगी. फर्स्ट कैलकुलेट में विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इसे हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस वाई एन प्लस वन माइनस के वाई एन. जो सेकेंड नेक्स्ट डिस्टेंस होगी सेकेंडरी मैक्सिमा माइनस उससे लास्ट वन कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव सेकेंडरी मैक्सिमास, देन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस के लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, देन बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. दैट इज द विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा. नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट अबाउट द विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मिनिमा. एंड विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा वी कैन कैलकुलेट बाई अगेन वी विल यूज दिस फॉर्मूला देन बीटा डैश इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वन कंसेक्यूटिव मैक्सिमम सेकेंडरी मिनिमा माइनस के स्मॉलर, देन बीटा डैश हो जाएगा हमारा टू लैम्डा डी अगेन डी माइनस के लैम्डा डी अपॉन टी, देन बीटा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. Here's the width of the secondary minima. Next, ये हमारा यहाँ diffraction portion complete हो जाता है. Let's see, छोटा सा question है, थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि complete एक बार ही complete हो जाए, तो please screenshot लेके, sorry, screenshot लेके, zoom करके notes complete कर लेना, और कोई भी doubt हो, तो you can ask me on comment section.